ना ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, तो मैं कहती हूँ बहू को बहू के हिस्से में भी प्यार दिया जा सकता है। इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है इस बात पे। बहू को बहू के रिश्ते में प्यार दें, वो भी तो एक रिश्ता है। बिल्कुल हाँ। आप क्यों बहू को बेटी के साथ शुरू कर दिया कि मेरी तुम बेटी हो मेरी बहू नहीं, बहू बहू है, उसको उसी में रिस्पेक्ट दें और बेटी बेटी। मैं तो इस बात पे कभी कायल हो ही नहीं सकती कि बहू बेटी है या सास माँ है। नहीं, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, एक गलती आपकी बेटी करती है तो वही गलती आपकी बहू करती है, आप बेटी को घर से निकालेंगी या बहू को? अभी 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 की बात है परवीन, मैं अभी जब बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ बन सकती। ईद थी तो मैं तो बाहर वो गाय थी तो उसका गोश्त भी, और मुझे तो बोटियाँ बड़ी अच्छी वाली चाहिए होती है चर्बियों में, तो मैं तो 2 बजे कसाई आया और मैं 7:30 बजे तक वहाँ बैठी रही गैराज में ना वो गोश्त वोश्त बनवा के। तो अब मेरी बेटी अंदर से आती थी, वो मुंह पे ऐसे रख के आती थी, अम्मा क्या करना है ये, वो चली जाती थी। अब मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि मेरी बेटी है, ठीक है, मैरिड है, अपने घर वाली है, लेकिन ईद पर आई हुई है, तो अगर वो मेरे पास नहीं आ रही कि अम्मा आप हटें मैं कर देती हूँ, तो मैं बहुत ठीक हूँ, फाइन, मेरी बेटी है, यही मेरी अंदर बहू बैठी हो और वो ना आए तो मैं पकती रहूंगी इधर से, वही कह रही हूं ना, इधर से पकती रहूंगी कि मैं कब से बैठी हूँ, उसने आके ये नहीं कहा कि मम्मी लाए मैं कर दूं, हालांकि बच्चियां वो भी नहीं करती। ये भी होता है कि वो जो बहू है वो उसका घर है, ये हाँ यही मैं कहने लगी हूँ ना, यही मैं कहने लगी, तो मेहमान शायद आप जगह पे भी ना बैठी होती अगर बहू का घर होता। बहुओं को चाहिए कि अपने ससुराल को ऑन करे, ऑन करने की बात है, ससुराल को क्या पहले अपने मियां को ऑन करें, साथ आप लोग कहां जाइएगा, रिस्पेक्ट दे अपने मियां से, रिस्पेक्ट। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, सुबह का समय आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी माएँ मौजूद हैं, सासें मौजूद हैं, जिन्होंने अपने घर को बड़े अच्छे प्यारे तरीके से जो है वो समेट के रखा हुआ, और माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से कहते हैं ये होती भी है कि किस तरीके से वो अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें, लेकिन वो माएँ जो कि वर्किंग मदर्स होती हैं उनके लिए तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें बाहर भी देखना होता है, फिर वो घर आएंगी अपने बच्चों को भी देखना है, इनके लिए खाना बनाना है, सब चीज़ों का ना उन्होंने खुद ख्याल रखना होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अभी अगर हम ज़रा अब जो रिसर्च भी है वो भी बताती है कि अब के टाइम में जो डिवोर्स रेट है और उसमें से खुला के भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, बहुत सारी ऐसी शादियाँ, मतलब आप ज़रा से 2-3 महीने ताखीर हो जाए आपको मुबारकबाद देने में तो पता चलता है अच्छा भी वो तो शादी भी ख़त्म हो गई है, तो ये बड़ा एक मसला आजकल हो गया है, तो उसमें आपको वैसे क्या लगता है परवीन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या रीज़न बन रही है कि आजकल हमारी शादियाँ जो हैं वो मतलब समझ में आती है, ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस हो फिज़िकल वायलेंस हो उसकी समझ में आती है, लेकिन अब हर छोटी सी छोटी बात में शादी हमारी ख़त्म हो जाती है, पेशेंस नहीं रहा लड़कियों में, तो वो अपने आप को बंद महसूस करती हैं, मतलब आज़ादी जो है वो सल्ब हो जाती है, जब आज़ादी सल्ब हो जाए तो फिर इंसान का वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आखिरी रास्ता यही होता है डिवोर्स ले, तो बहुत रेट बढ़ा हुआ है डिवोर्स का, और मेरी अपनी फैमिली में भी हुई है 1-2 डिवोर्स हुई हैं, लड़कियों में अब पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, मतलब वो ये चाहती हैं कि हथेली पर सरसों जम जाए और जो हम कहें वो हर्फ आखिर हो, तो ऐसा नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग आपस में अगर आपकी है भी वो एक जगह पे आके पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आ रही होती है वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो एक मतलब एक समझौता करके कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं, और ये मोस्टली शादियाँ जो हैं ये लव मैरिज, और बहुत जगह तो माँ बाप के पेरेंट्स की पसंद की शादियों में भी यही मसला आ गया है कि मैं नहीं समझती कि तलाक को इतना इजी क्यों ले लिया है लोगों ने, माँ बाप कहते हैं ले लो तलाक, कई रातें कोई सो ना सका हो, आर्टिस्ट इस तरह की बातें सुनने के बाद उसकी सेहत पर इफेक्ट हुआ हो, उसकी बेटी की भी शादी हुई भी है, उसके भी ससुराल वाले हैं, उसकी अपना एक सर्कल है, फैमिली लाइफ है, और कुछ जिंदगियों ने अभी जिंदगियों में शामिल होना होता है, तो हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे तरीके से, और मधिया मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर बड़ा सेंसिटिव होता है, हाँ, वो चीज़ों को जल्दी ऊपर लेता है, और आपने बोला ना कि बड़ी स्लीपलेस नाइट्स भी आती हैं, बिल्कुल, मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर हूँ,
आप कभी मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से मेरे बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, मेरा जो ससुराल है, तो ये मेरे ख़्याल में एक नाइटमेयर हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, गुज़र जाता है, और बस ज़रूरत होती है कि आप सब्र करें। आप सब्र, शायद कभी मैंने सब्र का दामन छोड़ा था, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, और ये चीज़ें मैंने बड़ी जगह, लेकिन कभी कभी ना इंसान की बस में नहीं कुछ चीज़ें होती, नहीं रहती। आप भी इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैंने, मुझे लगता है कि जीना सीख लिया है। आपको पता है आपके बच्चे आपको जीना सिखाते हैं, आपको जमाना नहीं, बहुत बड़ी आजमाइश होती है, फितना है ना औलाद, फितना है। आपको जमाना नहीं सिखाता, आपको वक्त नहीं सिखाता, आपको आपकी औलाद सिखाती है कि आपको किस तरह से जीना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी औलाद ने बहुत अच्छा सबक दिया कि मुझे किस तरह से जीना है, और वो मेरी बहुत फेवर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इन्होंने खातून ने बात की, मैं समझ रही हूँ, और चूँकि सोशल मीडिया पर बहुत आई तो इसलिए मैं इसको बोलने में भी मुझे वो नहीं है। मैं कहती हूँ कि हर किसी में सब्र होना चाहिए, और हर किसी को सब्र का फल मिलता है। अगर मैंने सब्र किया तो मुझे सब्र का फल मिला है, और अगर जिनकी वजह से मैंने सब्र किया उसने भी सब्र किया है, उसकी भी ज़िंदगी बहुत इफ़ेक्ट हुई है, तो मैं उसके लिए भी दुआगो हूँ कि उसकी ज़िंदगी भी सेटल हो जाए। क्योंकि लोग जब बोलते हैं ना, वो नहीं सोचते कि किसके बारे में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ मैं सह जाऊंगी, जिन बच्चों ने अभी जिंदगी गुजारनी है ना, उनके लिए सहना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो उनके लिए भी मैं कहती हूँ खुदारा आप लोग बोलते वक्त जरूर सोचें। मैं तो इधर बैठ कर अपनी बातों का जवाब दे सकती हूँ, जो घर पर बैठी हुई है शायद वो ना दे सके, लेकिन उसके भी अंदर कुछ तकलीफें तो होंगी डेफिनेटली। अच्छा, तो ये चीज़ें ज़रा शो के इग्नोर होनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो मिस हो गया, कि वो अभी भी लोग उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे, वो है ट्रॉली कल्चर। सो आपको लगता है वो होना चाहिए, क्योंकि जब जब वो बात पक्की नहीं होती ना, तो लड़की की इज्जत नफ्स बड़ी मजरू होती है, क्या पूरी ट्रॉली से जाके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रॉली परेड जो है नहीं, अब वो मेरे ख्याल में रहा भी नहीं ट्रॉली कल्चर, बहुत घरों में है, बहुत है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम लोग तो इसके फेवर में ही नहीं है। लड़की कोई बिकने वाली चीज तो नहीं है। आपने अगर पसंद करना है आए बैठे, सलाम दुआ हो, लेकिन ट्रॉली लेके आना, ये करना, वो बिल्कुल। अच्छा, ये अभी भी है वैसे। बिल्कुल अभी बहुत भी है, और उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नुमाइश हो रही है। लड़की ने अगर रूम में आना है तो इसके आने का एक बहाना होता है। ऐसे तो फिर 10,000 लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। जब लड़की बहुत हर्ट होती है, या तो बात कंफर्म हो चुकी हो, आपकी फाइनल हो, उसके बाद ट्रॉली वगैरह लेकर आए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए। कि आपके लिए कोई भी जैसे रिश्ते वाले रिश्ता कराते हैं, जो भी इतनी लंबी तमहीद बांधी, तो उसके लिए तो यही है कि आप परवाना करें लोगों की, पर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम। लेकिन आप में जो जो 100 लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, उसमें से अगर 20 लोगों ने बुरा कहा तो 80 ने आपको फेवर भी किया। भाई मुझे तो है ना, नहीं मतलब ये भी है, लेकिन भाई ये बात है, एक तमाम तरह जो सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारे पास यहाँ पे बैठी हुई है, जो उनके पास एक अदद वो कहना कीबोर्ड आ गया, तो यार जब किसी की भी आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में या किसी के बारे में कमेंट करने से पहले भी सोचा करें कि भाई वो भी आपके तरह इंसान है, प्रोफेशनल लाइफ को आप डिस्कस करें, मत कोई आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें, आपको अच्छा लगेगा, तो कोशिश करें कि आप उनको भी ऐसा हेट मत करें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आपका, परवीन जी आपका, आपका सवर जी आपका, और आपका बहुत शुक्रिया जी, सारा जी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।